अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबा कर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस रिस्क चेकर्स टूल के बारे में। तो उससे पहले मैं एक आपको बात जरूरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने घर में बैठ कर ही काम कीजिए, आप अपने घर से बाहर मत निकलिए। हमारे गवर्नमेंट को और हमको और खुद को भी यहाँ से सपोर्ट कीजिए। तो हम बात करेंगे आज के कोरोना वायरस के रिस्क चेकर्स टूल के बारे में। तो ये जो आपको बताने की यहाँ पे ये जो एक खबर निकल के आई है और इसे प्रैक्टिकली मैंने खुद यहाँ पे जाके चेक किया है, ये दोनों ही एप्लीकेशन में अवेलेबल है। उसके पहले चलते हैं उसके में क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जियो और एयरटेल थैंक्स के एप्लीकेशन के बारे में। जियो और जो थैंक्स एप्लीकेशन है एयरटेल का और माई जियो का, जो माई जियो एप्लीकेशन है उनमें एक टूल यहाँ पे सामने निकल के आया है। उसके साइट पर भी जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इतने कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप जियो इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो माई जियो एप्लीकेशन है उसमें जाना पड़ेगा और तीन डॉट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल्स दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पे जो कोरोना वायरस के लिए जो भी चेकर्स टूल है, सिम्टिक जो रहते हैं, कुछ इन्फॉर्म टूल जो रहता है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। या उसे जियो ने यहाँ पे आपके लिए अच्छी एक सर्विस यहाँ पे दी गई है। इसमें आपको सिम्टेमिक्स चेक कर सकते हैं, यानी आपके जो भी कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो होते हैं, जितने भी कोरोना वायरस के रिलेटिव जो टेस्ट सेंटर है उसे हम चेक कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे कितने यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन दिए गए हैं, जो कि नेशनल हेल्थ नंबर्स दिए गए हैं, जो स्टेट वाइज जो नेशनल है नेशनल भी दिए गए हैं और कुछ FAQ दिए गए हैं। ये जो टूल है बहुत ही बढ़िया काम कर लेता है और अगर आपको सही सही जानकारी आपने उसमें फील्ड कर दी तो आपको सिम्टमिक्स के जरिए आपको कितने रिस्क पे आप होंगे वो आपको बता देता है। तो बढ़िया यहाँ पे जियो ने बात की है या जियो ने एक पहल की है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही जो भी अभी पैनिक में जो यहाँ पे हमारे यूज़र है या जियो के यूज़र होंगे, सब देश यहाँ पे पैनिक में है, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा राहत वाली बात हो सकती है अगर आपने ये थोड़ा सा चेक किया तो। और इसके बाद हम एयरटेल की बात करते हैं, जो एयरटेल में भी वैसा ही दिया गया है। एयरटेल में आप एक यहाँ पे जो भी जो स्कैन यूअर जो यहाँ पे दिया गया है, एयरटेल के एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोरोना से रिस्क स्कैनर यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक चैट की तरह ही आपको यहाँ पे बता सकते हैं। आप इसमें सबसे पहले आप उसमें एज डालिए, अपना एज डालने के बाद जितने आपके यहाँ पे चैट ओपन होता है उसी प्रकार से आप उसे सच में सच बताने की कोशिश कीजिए, तो आपको यहाँ पे एक आइडिया आता है कि आप यहाँ पे कितने रिस्क पर आप अभी कोरोना वायरस के अब है। तो ये जो यहाँ पे जो दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने एक टूल यहाँ पे लॉन्च किया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी यहाँ पे पहल की है। क्योंकि हम कोई भी हमारे पास मोबाइल होता है तो कोई एयरटेल का सिम यूज़ कर लेता है, तो कोई आप यहाँ पे जियो का सिम यूज़ कर लेता है, आपके हर कोई ना कोई मोबाइल में ये एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन एक 100 एप्लीकेशन होगी। तो आप उसमें जाके कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और वैसे बहुत ऐसी सर्विस भी उसमें आप पा सकते हैं और अपना जो भी टेस्ट है या रिस्क चेकर टूल की मदद से आप कितने रिस्क पर है वो आप बता सकते हैं या उसे बता देता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।